चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं बच्चों और बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था बदन दुखता था तो हम रोते हुए मां के पास जाते थे और उन्हें अपनी तकलीफ बताते थे माँ कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो हल्दी हो उसे आराम देती थी हम जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी और कुछ दिनों बाद बच्चे बन जाते हम खेलने कूदने लग जाते बच्चों और बचपन से आज कोरोना की लड़ाई है हमें फिर से याद यही है जब बचपन में हमें खांसी बुखार अपनी तकलीफ को अपनों को बताता था तो हम अपने माँ के पास जाते थे और उन्हें अपनी तकलीफ बताते थे माँ कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो हल्दी हो उसे आराम देती थी हम जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी और कुछ दिनों बाद हम खेलने कूदने लग जाते थे आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है राहत पाना है इलाज कराना है खेलना कूदना है जीतना है इसी में सबकी भलाई है देखिए बीमारी कोई कलंक नहीं होता परिवार तो आपका भलाई चाहता है ना तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं कोरोना से हमें लड़ना है डरना नहीं है वह है उसे छुपाए नहीं बल्कि सामने आकर उससे संबंधित इलाज ले अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम तो बीमार होंगे ही बल्कि अपने परिवार को भी बीमार कर सकते हैं हर पेशेंट को अपने को बचाने के साथ साथ अपनी फैमिली को बचाने के लिए सरकार द्वारा प्रोवाइड की गई हेल्थ सुविधाओं को अपनाते हुए इस लड़ाई में अपना योगदान देना होगा देश में अब तक 20,917 लोग कोविड 19 से क्योर हो चुके हैं और 44,029 केसेस एक्टिव मेडिकल सुपरविज़न में हैं पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो पाते हैं कि टोटल केसेस में 4,213 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है पर साथ में ही 1,559 पेशेंट्स क्योर भी हुए हैं इस तरीके से हम देखें तो पाते हैं कि हमारा टोटल रिकवरी रेट अब 31.15% परसेंट हो चुका है कुल कन्फर्म केसेस की संख्या इस समय 67,152 है स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 मई को कन्फर्म कोविड 19 पेशेंट्स के लिए एक रिवाइज्ड डिस्चार्ज पॉलिसी भी जारी की है यह है, मिनिस्ट्री द्वारा ऑलरेडी इशूड गाइडलाइंस जो कि हमारे थ्री टीयर कोविड फैसिलिटीज और कैटेगराइजेशन ऑफ पेशेंट्स बेस्ड ऑन क्लिनिकल सेबिलिटी उसके साथ अलाइंड है पहले जो क्राइटेरिया था कि या तो चेस्ट रेडियोग्राफ क्लियर होना चाहिए या दो कॉन्जिक्यूटिव आर टी पी सी आर टेस्ट नेगेटिव होने चाहिए उसके भिन्न भिन्न होते हुए नई डिस्चार्ज पॉलिसी के अनुसार जो केसेस जो कि माइल्ड हैं वेरी माइल्ड हैं या प्री सिम्टोमेटिक केसेज हैं और कोविड केयर फैसिलिटी में एडमिट हैं अगर सिम्टम की शुरुआत के दस दिनों में उनको तीन दिन तक फीवर ना हो तो उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है ऐसे समय में डिस्चार्ज से पहले टेस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन डिस्चार्ज के बाद भी सात दिनों के लिए उन्हें होम आइसोलेशन का पालन करना पड़ेगा इसके साथ ही जो केसेस मॉडरेट हैं और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में एडमिटेड हैं उनमें से जो पेशेंट तीन दिनों में रिजॉल्व हो जाते हैं जिनके सिम्टम और जो बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के रहते हैं यानी कि जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन अबव 95 परसेंट है ऐसे पेशेंट्स को सिम्टम्स के 10 दिनों के बाद डिस्चार्ज किया जाएगा यदि वह पेशेंट उनको कोई फीवर ना हो विदाउट एंटीबायोटिक उनको कोई ब्रेथलेसनेस के सिम्टम ना हो और उनको ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड ना हो लेकिन इसके साथ ही वह मॉडरेट पेशेंट जिनको फीवर तीन दिन में रिजॉल्व नहीं होता और वह ऑक्सीजन थेरेपी पर कंटिन्यू करते हैं इन केसेस में पेशेंट्स को तभी डिस्चार्ज किया जाएगा जब उनके क्लिनिकल सिम्टम रिजॉल्व हो जाएं और लगातार तीन दिनों तक ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन करने की एबिलिटी हो यह ध्यान देना चाहिए कि मॉडरेट संबंधित इन केसों में भी डिस्चार्ज से पहले टेंस्टिक की ज़रूरत नहीं होगी लेकिन पेशेंट को डिस्चार्ज होने के बाद सात दिन तक होम आइसोलेशन का पालन करना होगा इसके साथ ही सीवियर केसेज और साथ में केसेज जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं जैसे कि एच आई वी पेशेंट्स ट्रांसप्लांट रेसिपियंट्स मेलेग्नेंसी एक्ट्सट्रा ऐसे पेशेंट्स को तभी डिस्चार्ज किया जाएगा जब या तो वह क्लिनिकली रिकवर हो जाए या उनके पेशेंट्स को आर टी पी सी आर के द्वारा नेगेटिव घोषित किया जाए यह डिस्चार्ज पॉलिसी इसलिए चेंज की गई है कि अगर हम देखें भी कई देशों ने एविडेंस के बेसिस पर अपनी डिस्चार्ज पॉलिसी में टेस्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी के बदले सिम्टम बेस्ड स्ट्रेटेजी और टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी का बदलाव किया है उसके तहत ही इसमें हम चेंज लाए हैं साथ ही आई के लैब सर्वेलेंस डेटा के रिव्यू के अनुसार भी आर टी पी सी आर पॉजिटिव केसेज पेशेंट्स दस दिन बाद नेगेटिव टर्न हो जाते हैं रिसेंट स्टडीज से यह भी पता चला है कि वायरल लोड पीक इन द प्री सिम्टोमेटिक पीरियड यानी कि सिस्टम से दो सिम्टम से दो दिन पहले और अगले सात दिनों में नीचे चला जाता है यह डिस्चार्ज पॉलिसी आर टी पी सी आर डायग्नोस पेशेंट्स के लिए है यह जानना जरूरी है कि यह डिस्चार्ज पॉलिसी होम और फैसिलिटी क्वारंटाइन पेशेंट्स के लिए नहीं है क्योंकि क्वारंटाइन एसिम्टोमेटिक और हेल्दी पर्सनस के लिए है जो वायरस से एक्सपोज हैं लेकिन उन्हें कोई सिम्टम नहीं दिखता है हाउवर क्वारंटाइन फैसिलिटी पर उनका स्टे पाँच मई को जारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस के तहत लास्ट एक्सपोजर से चौदह दिन तक रहेगा और डिस्चार्ज पॉलिसी से संबंधित एक फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर उपलब्ध किए गए हैं इसी संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने होम आइसोलेशन ऑफ वेरी माइल्ड और प्री सिम्टोमेटिक कोविड 19 केसेस के लिए भी एक रिवाइज गाइडलाइन जारी की है जिसके अनुसार वेरी माइल्ड और प्री सिम्टोमैटिक कोविड 19 केसेस के लिए होम आइसोलेशन पीरियड समाप्त होने के बाद टेस्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं है हाउ आई वुड स्टिल लाइक टू रिट्रीट ए फ्यू पॉइंट्स दैट दो पेशेंट्स हु आर अंडर गोइंग होम आइसोलेशन शुड स्ट्रिकली एडियर टू उनको एक सेल्फ रिकेशन फॉर्म साइन करना होगा हमेशा ट्रिपल लेअर्ड मास्क पहनना होगा एक आइडेंटिफाइड रूम में आइसोलेशन मेनटेन करना होगा वह जो एल्डरली हैं या जो कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले पेशेंट्स हैं या और फैमिली मेम्बर हैं उनसे दूर रहें हेल्थ हाइजीन मेंटेन करें और अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग करें अगर कोई भी हेल्थ सिचुएशन डिटेरिट होती हो तो वह संबंधित मेडिकल अधिकारी को सूचित भी करें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश असम, मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा और सिक्किम के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों में कोविड स्थिति की समीक्षा की राज्यों को माइग्रेंट लेबरर्स स्टूडेंट्स और विदेश से लौटने वालों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा जो प्रोटोकॉल बताया गया है उसके तहत स्क्रीनिंग और क्वारंटाइन मेजर्स एंश्योर किए जाएं उसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है साथ ही राज्यों को ये भी कहा गया है कि वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से रिलेटेड स्पिटिंग से रिलेटेड जो प्रोहिबिशन है उसको इफेक्टिवली लागू किया जाए कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कोविड 19 मैनेजमेंट की स्थिति की समीक्षा करने के लिए मंडोली जेल जो कि नई दिल्ली में स्थित है वहां स्थित कोविड केयर सेंटर का दौरा भी किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने एक एंटीबॉडी डिटेक्शन किट कोविड कलज अलाइजा नामक आईजीजी एलिजा टेस्ट किट को डेवलप किया है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस संदर्भ में कहा कि इंडिजिनस टेस्ट कोविड 19 के सर्वेलेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा इसी के साथ ही भारतीय नौसेना द्वारा डिजाइन किए गए पर्सनल प्रोटेक्शन किट को भी इनमास यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन और अलाइड साइंसिस द्वारा हाईएस्ट टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स के साथ सर्टिफाई किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट्स काउंसिल ने वैक्सीन्स डायग्नोस्टिक्स थेरेप्यूटिक्स और अदर टेक्नोलॉजी से संबंधित सत्तर प्रपोजल को भी शॉर्टलिस्ट करके फंडिंग के लिए सेलेक्ट किया है जहाँ एक और हम समाज में हेल्थ सीकिंग बिहेवियर प्रमोट करना चाहते हैं वहीं दूसरी ओर हम सबको मिलकर कोविड 19 से जुड़े हुए स्टिग्मा से भी लड़ना होगा हमें बीमारी से लड़ना है बीमार से नहीं इसी संदर्भ में माई गॉव द्वारा बनाया गया एक और वीडियो भी मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा धन्यवाद देखिए कोरोना हम पर दो तक तरह...